आज बनाएंगे बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बिना मसाले वाला आलू पराठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बिल्कुल आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आलू पराठा बनाना। ये गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाया हुआ है मैंने। इसमें एक चम्मच सरसों का तेल गरम करके उसमें एक छोटा चम्मच जीरा, चार पांच हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ ऐड करेंगे और इसको 10 से 15 सेकेंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें बॉयल किया हुआ आलू मैश करके ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए चला के इसमें अमचूर पाउडर एक चम्मच और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये आलू भून चुका है, इसमें हरी धनिया की पत्ती, कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग रेडी है, इसको साइड में प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब ये आटा का डो लगा लेंगे, सॉफ्ट आटा का डो लगाना है और ये ठंडा हो चुका है फिलिंग आलू पराठा का। इसको छोटा छोटा बॉल बना के रख लेंगे साइड में। सारे बॉल बन चुके हैं। अब एक आटा का रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज का लोई लेंगे, उसको बीच में होल बनाएंगे और उसमें आलू का फिलिंग ऐड करके उसको लॉक कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। तवा गरम है, इस पे आलू पराठा मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे उलट पलट करके। इसको घी, बटर या कुकिंग ऑयल किसी भी चीज़ से डाल के और उलट पलट करके करारा होने तक सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा से फूल के रेडी है आलू पराठा, ब्राउन स्पॉट भी आ चुका है। ये आलू पराठा रेडी है, इसको प्लेट में साइड में निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे आलू पराठा को उलट पलट करके क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आलू पराठा बन के रेडी है, इसको सर्व कीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।